हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने जा रही हूँ और इसके लिए मैं आधा किलो चिकन ली हूँ, 3 मीडियम साइज के प्याज है जो कि मैं रफली चॉप कर ली हूँ, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच अदरक पेस्ट है, 1 चम्मच साबुत जीरा, 3-4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और तेज पत्ता 2, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच चिकन मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं कढ़ाई को गर्म कर रखी हूँ और उसमें 4 चम्मच तेल डालती हूँ। तेल गरम होने के बाद जो साबुत मसाले थे उसे तेल में डाल देते हैं। उसके बाद जो ये प्याज था उसे भी तुरंत डालते हैं। डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए भूनते हैं। 5 मिनट प्याज भूनने के बाद जब वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है तब मैं उसमें ये टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे भी डालकर 5 मिनट भूनना होता है मीडियम फ्लेम पे। पाँच मिनट ये भूनने के बाद इसमें चिकन डालना होता है। और 2 मिनट के बाद जो मसाले हमने लिए थे वो सारे इसमें डाल देने हैं। और इसे कम आंच पर भूनते रहना है। इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और उसके बाद फिर भूनेंगे। 5 मिनट ढकने के बाद इसका ढक्कन निकालकर और चिकन को उलटते हैं। ये देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा आ रहा है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनते रहना है। और हर 5-5 मिनट पे हम इसे उलटते रहेंगे। ये देखिए करीब 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया है। और अब हम इसमें करीब 2 कप के इतना पानी डालकर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारा ग्रेवी चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए हमारा चिकन करी रेडी हो गया।